जाओ हम वहीं पर कायम हैं और ठीक 10 मार्च को आपको हम 60 पार दिखाई देंगे। अच्छा, सीधे तौर पर वो खुलेआम कह रहे हैं नदियों को लेकर कि जिस भी तरह का आपको खनन करना है वो खुलेआम। देखिए, ये पहली सरकारों में भी यही होता रहा है। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो या रामनगर का कोसी हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का खनन होता था। लोग चिल्लाते थे, वहाँ पर DFO के ऊपर जो है JCB गाड़ी चढ़ा दी गई थी, ये सब लोगों ने देखा। हरिद्वार में जिस प्रकार से साधु संत जो है धरनों पर आ गए थे, गंगा माँ त्राही माम चिल्ला रही थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और वो इसी प्रत्याशा में है। इसी में इसलिए सारे खनन माफिया, भू माफिया, सारे के सारे उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती है। गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए।